आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97241 43 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूपी कांस्टेबल एसएससी लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको सफलता की गारंटी के साथ स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने का जो मुहिम चलाया है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं लगातार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें और बेल आइकन दबाएंगे, जब नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप शेयर भी कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको पूरा प्रोसीजर कर लिया करिए, ठीक है। इसमें कोई शुल्क तो देना नहीं है आपको, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की वीडियो देखनी होती है आपको, उसमें पूरी जानकारी होती है। मैं किसी भी वीडियो में फालतू की बातें नहीं करता हूं या ज्यादा बिल्डअप नहीं करता, ये है वो ऐसा वैसा दुनिया भर का क्या मतलब है। इससे बेहतर है कि अच्छी अच्छी न्यूज देकर निकल लो है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुपर टेट के मामले को लेकर के मेरे पास मैसेजेस किए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 1400 मैसेज तो होंगे व्हाट्सएप पे, और उसमें एक ही सवाल है कि क्या सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। कुछ यूट्यूब चैनलों ने तो जैसे कसम सिखा ली है कि मतलब उनको दिन भर में 25 वीडियो डालना है क्योंकि उनको और कोई काम तो है नहीं बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, है ना। उनको और कोई काम तो है नहीं तो दिन भर में 25 वीडियो बना के डालते हैं कि चलो थोड़ा सा अभी लाइक भी आएगा तो जो मतलब कुछ खर्चा पानी चलेगा, है ना। तो इस सारी चीजों को लेकर के देखिए किस तरीके का नेगेटिव सेंस, जिस तरीके का नेगेटिव सेंस मतलब जो है इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, चाहे यूपी टेट के आपके परिणाम से लेकर के सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब जो नेगेटिव माहौल बनाया इन लोगों ने, उस चीजों का हमेशा ही मैंने काउंटर किया है। और आज भी जब आपका यूपी टेट का परीक्षा हुई थी तब भी ये लोग यही बोल रहे थे कि यूपीटेट रद्द हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कह दिया था कि यूपीटेट का रिजल्ट उसी पे एग्जाम पे होगा और उसी एग्जाम पे रिजल्ट आपका आएगा। कोई ना तो परीक्षा रद्द होने जा रही है ना कोई परीक्षा फिर से कराई जाएगी, सीधी सी बात है। और हुआ भी वही, ठीक है। आपको मैंने जो चीजें बताई वो चीजें हुई है, ठीक है। अब रही बात आपके यूपीटेट में या आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए, देखिए हम एक चीज आपको बता दें, जब तक केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार बीएड प्रशिक्षितों के सर पे उनका जो अभयदान है, मैं आपको गारंटी देता हूं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक कोई भी आपको बाहर नहीं करने वाला है। क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी मैटर होता है उन सारी चीजों में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। अब सबसे पावरफुल संस्था जो है वो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपके साथ खड़ी है। उसका जो एमएसआरडी जो मिनिस्ट्री है जो जिसे आप शिक्षा विभाग के नाम, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है भारत का, उन्होंने भी इसके प्रोटेक्शन के लिए एक याचिका अपनी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। आपके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बहस कर रहे हैं, आपके लिए एनसीटीई की पूरी वकीलों की फौज उतरी हुई है, आपके लिए योगी सरकार के महाधिवक्ताओं के साथ पूरी टीम उतरी हुई है। तब कैसे बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, कैसे बाहर हो जाएंगे? ये कांग्रेसी जो राज्य हैं, ये कांग्रेसी राज्यों ने बीएड को बाहर करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। अभी तो ये 10 साल से सत्ता से बाहर है, अभी हमें लगता है 100 साल से बाहर ही रहेंगे, ये कभी जीतेंगे नहीं, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। देखिए कुछ डिटेक्शन इसी तरीके के लिए होते हैं कि आप दिग्भ्रमित हों, आपकी तैयारियां प्रभावित हों, और यही उनका लोग का जो प्रोपेगेंडा होता है ये एक प्रोजेक्टेड प्रोपेगेंडा होता है, ताकि इससे बीएड के विद्यार्थी जो डिस्ट्रैक्ट हों, वो पढ़ाई ना कर पाए, वो तैयारी ना करें, है ना। वो जो है सुपर टेट के लोग करके जो है मतलब उहापोह की स्थिति में पड़ रहे हैं कि अब गए, है ना। और ऐसे आपकी तैयारी प्रभावित होगी, पता लगा पट से विज्ञापन आएगा, सट से 28 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा, फिर आप जो है मतलब इधर गाल ठोंकोगे, फिर दोनों हाथ से अपना कान पकड़ोगे। इससे बेहतर है कि इन सारी चीजों को दरकिनार करिए। और जो लोग भी इस तरीके के गलत कंटेंट और नेगेटिव सेंस आपको परोसते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो देखते ही क्यों हो यार, सीधी सी बात है ना। आप प्रमोट करते हो इसलिए वो बढ़ चढ़ करके बोलते हैं,
आप प्रमोट करना बंद कर दो, वो बढ़ चढ़ के बोलना बंद कर देंगे, सीधी सी बात। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, और बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनकी की बातें कभी किसी ने किया ही नहीं, कभी नहीं किसी ने नहीं किया, और जरूरत ही नहीं महसूस की कि मतलब मैं इन सारी बातों को करूं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि जब छात्र हित का दर्द आप अपने दिल से महसूस करते हो तो उस बात की जानकारी भी आपको सबसे पहले हो जाती है, और यही मेरे साथ हुआ है। मैंने जिन जिन मुद्दों को लेकर के आज तक प्रयास किए हैं उन मुद्दों में हमें सफलता प्राप्त हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो मतलब समाजशास्त्र के भी कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए आप लोगों के लिए मैंने दिनों रात पसीना बहाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो मतलब आपके लिए प्रयास करने की बात हो, शासन प्रशासन से जिन व्यक्तियों की आप बातें करते हैं, जिन व्यक्तियों के नाम आपने लिए हैं, वो व्यक्ति चूंकि भाई श्रद्धि से है हमारे, मैं उनको बहुत स्नेह करता हूं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हमारी पहुंच और हमारे प्रयास से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि उनसे मैं इतना क्लोजली हो चुका हूं कि मैं उन्हें सारी चीजें स्वयं पिक्स वगैरह फोटोग्राफ वगैरह जो है सेंड कर देता हूं, वो तो सारी चीज खुद ही जानते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इस बात की जानकारी उनको जो है मतलब गाजीपुर में बैठे हुए उनको हो ही जाती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके लिए ईमानदारी से कार्य करना और उन्हीं चीजों को बताना, चैनल पे मैं उन्हीं चीजों को बताता हूं जिन चीजों को लेकर के हमने प्रयत्न किया है, जो प्रयत्न करने के बाद जो अधिकारी शासन के मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक जो हमको जो मतलब जो आश्वासन देते हैं, जो बातें उनसे होती हैं फेस टू फेस, ऐसा नहीं कि महाराज जो है दूसरे के माध्यम से बतीवा के तब पूछो तब बताइए ना, जो फेस टू फेस बात होती है डिप्टी सीएम से मंत्री महोदया से जो फेस टू फेस बात होती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। मैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले इंसानों में से नहीं हूं, मैं स्वयं उसके लिए एफर्ट करता हूं और जरूरत पड़ती है तो अपने ही कंधे पे बंदूक रखता हूं, आओ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ लोग मुखर होकर के इस बात को लेकर के आवाज उठा रहे हैं समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को लेकर के, और कोर्ट में जो मतलब याचिका वाचिका के विषय में चर्चाएं चल रही हैं, तो आ देखे जरा किसमें कितना है दम, आप चलिए हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जिन चीजों को लेकर के जो छात्र हित के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम हमेशा से ही प्रयत्नशील थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इन विद्यार्थियों को एक अभयदान मिला है, इन विद्यार्थियों की जो योग्यता थी वो कहीं खो सी गई थी, लेकिन अब इन विद्यार्थियों को जो अवसर प्राप्त हुआ है वो उस अवसर को ये विद्यार्थी बहुत अच्छे से भुनाएंगे भी, ये भी मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, बाकी सारी चीजें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर छोड़ दीजिए है ना। जो ये सब लब्बो लुहाब वाले हैं ना, गिले शिकवे वाले, वो सब दूर हो जाएंगे, सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। ये तो मई जून में भी योगी महाराज जो है शिमला बना देते हैं है ना, तो आप लोगों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के विज्ञापन को लेकर के, तो सुपर टेट का विज्ञापन आपका जो डिले हो रहा है उसका एक मुख्य वजह है, मुख्य वजह है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई आपकी याचिका, जिसमें बीएसटीसी के विद्यार्थी बाहर हुए, राजस्थान वाला आपको मैटर पता ही है। अभी 18 अप्रैल 14 16 और 18 ये तीन डेट लगेगी आपके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जो याचिका डाली है बीएड प्रशिक्षितों के फेवर में, उसमें जो बहस होगी उन सारे मुद्दों को लेकर के जो है मतलब सुपर टेट का विज्ञापन, इसीलिए मैंने कहा था ना कि आपको इस माह के अंत तक देखने के लिए मिलेगा। अब मिलेगा, 100% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। 56,000 से अधिक पद होंगे उसमें, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं वही बातें करता हूं जो मंत्री महोदय से बात करने के बाद जो अस्पष्ट होती है, ठीक है ना। एक कार्यकर्ता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं मैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं इस पार्टी से आज से नहीं 2005 से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है ना, 2005 से जुड़ा हुआ हूं, जबकि बीजेपी मतलब जो है उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व ही बिल्कुल समाप्त हो चुका था, फिर भी मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान या
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप किसी भी पार्टी विशेष से हों, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस को करते हो, बीएसपी को करते हो, समाजवादी पार्टी को करते हो, मैं नहीं कहता समाजवादी पार्टी खराब है, उसके नेता श्री अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कहते नहीं कि मतलब जनता का मूड, जनता का स्वभाव कैसा है, क्या है, किस तरीके से है, वो तो वही जाने, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है ना। आपके लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है कि जो प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया था कि 7273 पदों को हम विज्ञापित करना चाहते हैं, शासन ने इनसे उल्टा ही सवाल पूछ लिया कि तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या हुआ। ठीक है, और जो चीजें मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी ने पूछा है कि माध्यमिक में जो तदर्थ शिक्षकों का मामला था उसको लेकर के क्या हुआ, उनके पद कहाँ गए, अब इन सारी चीजों का जवाब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड देगा। उसके बाद सारी चीजें आपको आपके हित में दिखेंगी, और निश्चिंत रहिए पद बढ़ेंगे, एक अच्छा खासा विज्ञापन आपको टीजीटी पीजीटी का इसी माह में देखने के लिए मिलेगा, इसी माह में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के भी लिए जो ये कला के विद्यार्थियों का मैटर चल रहा है, ये मैटर भी ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले को लेकर के कि मतलब जो संशोधन आदि की प्रक्रिया हुई है वो संशोधन 2018 से लागू किया जाए या 2022 से जो नई भर्ती आ रही है उस पर लागू किया जाए, तो इसमें जो है मतलब बहुमत जो है, बहुमत के बारे में यदि बात करें तो मतलब काफी लोग जो है इस बात को लेकर के अंक भाई ऐसा ना हो कि इसको कोर्ट में चुनौती दे दी जाए कि पिछली भर्तियों से किस आधार पर जो है संशोधन को लागू किया जा रहा है, क्योंकि संशोधन तो आपका 2022 में ही हुआ है ना, तो इसे चुनौती भी दी जा सकती है कोर्ट में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के विधिक राय ली जा रही है और आप सभी लोगों के मामले को बहुत जल्दी ही निस्तारित कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आपके इस मार्मिक पत्र के माध्यम से जिस तरीके की आपकी बातें, आपकी समस्याएं और आपकी मानसिक स्थिति का आकलन करते हुए हमने जो मुद्दे उठाए हैं, पूरा यकीन है कि योगी महाराज बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हितकारी फैसले लेंगे। बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए और यूपीएसआई की नई वैकेंसीज के लिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि यूपीएसआई में इस बार आपको 900 से 1000 के बीच में पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, ज्यादा पद नहीं है लेकिन 900 से 1000 के बीच में आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। और यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आनी है ये आपकी 15 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि संस्थाओं का चयन हो चुका है, कौन सी संस्था जो आवेदन लेगी, कौन सी संस्था बुकलेट बनाएगी, कौन सी संस्था एग्जाम कराएगी, कौन सी संस्था बुकलेट जांचेगी, ये सारी चीजों का जो है आकलन किया जा चुका है और जो है उनका चयन किया जा चुका है। और अब विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, अध्यातन जो सरकार से मंजूरी प्राप्त हुई थी उन सारी चीजों को लेकर के जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और 15 अप्रैल तक आपको यूपी कांस्टेबल के 27,000 पदों तक, मतलब 26,600 से अधिक पदों तक आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी भी आपको ऊपर बारिश करने चल रही है, एक गाना नहीं था मोहब्बत बरसा देना तू सामान आया है, इसमें भर्तियों का सामान आने चल रहा है, और जो है मतलब मोहब्बत तो नहीं लेकिन वैकेंसियों की बारिश होगी आपके ऊपर। ठीक है ना, आप लोग मजबूती के साथ मन लगा करके तन्मयता के साथ तैयारी करते रहिए और ऐसे लोगों से हमेशा ही कोसों दूर रहिए जो कि आपको निगेटिव सेंस देते हैं, निगेटिव बातें करते हैं आपसे, जो इस मुद्दे को जानते ही नहीं, जिनकी एक मतलब जो है कहते नहीं कि अधिकारी के सम्मुख जाते वक्त भी उनके पैर कपते हैं, ऐसे व्यक्ति आपको जो है मतलब बताते हैं कि फलाना चीज होने जा रहा है, धमाका चीज होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, दिन भर में 25 वीडियो ला करके जो है थंबनेल ऐसा बनाएंगे कि ऐसा लगेगा इंद्र का वज्र अभय गिर गया, सब कुछ समाप्त हो गया, ब्रह्मास्त्र चल गया, पूरी पृथ्वी पलट गई से, है ना, ये सारी चीजें वो करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल यूट्यूबर है। वो हमारी आपकी तरह जो है मतलब एक कंपटीशनर छात्र थोड़ी न रहे हैं, जो जिस तरीके की आपकी समस्याओं को समझे, वो प्रोफेशनल यूट्यूबर है, इसीलिए तो कभी जो है मतलब वो आपके सम्मुख आते नहीं, पर्दे के पीछे से मतलब बस बोलते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें वो नहीं है। और एक जो कंपटीशनर होता है जैसे मेरी तरह, सारी चीजें आपकी बातें समझता है, आपके सम्मुख आकर के हम बातें करते हैं
और आपको हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं, आपकी जो समस्याएं हो आप हमसे डायरेक्ट मतलब उस चीज को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ना तो कोई बीएड बाहर होने चल रहा है ना कुछ होने चल रहा है, आप लोग अपनी तैयारियों पर लगे रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार बीएड प्रशिक्षितों के साथ है और आगे भी रहेगी। और मैं गारंटी देता हूं इस बात को, गारंटी देता हूं, अगर उत्तर प्रदेश से बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए उस दिन आप हमसे सवाल करिएगा, किसी कीमत पर बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।